शर्म होती तो ये सब कुछ करता? मेहरुनिसा ने क्या कुछ नहीं किया इसके लिए, और उसने एक मुलाजमा के साथ निकाल दिया माहिर को और शानों को भी। गॉड, इतना घटिया जलील शख्स था, मैं घर पे होता ना तो गोली मार देता उसे। अच्छा हुआ कि तुम घर पे नहीं थे। माँ तो बहुत अपसेट होगी। शादी की थी उससे, शौहर था उसका, बहुत दुखी है। मगर अच्छा हुआ मेहरुन्निसा को उस मक्कार लड़की की असलियत पता चल गई। खैर, अब जो होना था वो हो गया। मगर तुम मेहरुन्निसा से इस बारे में कोई बात ना करना, बल्कि उसे एहसास दिलाना कि तुम उसके साथ हो, उसकी दिलजोई करना। उसने माहिर से शादी करके गलती की है और तुमने उसे दिल से माफ कर लिया है। ठीक है नहीं पप्पू, आप माँ भी तो इंसान है, जज्बात में आके उन्होंने एक फैसला ले लिया और वो फैसला गलत साबित हुआ तो मुझे उन्हें एहसास दिला के शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। शाबाश बेटे, शाबाश। मेरे चंदा, तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं अब चलती हूँ। हैरान हूँ मैं, ऐसा लगता नहीं था वो। और शानू, वो तो कितने अरसे से हमारे घर में मुलाजमा थी, मैं तो उसे बहुत नेक समझता था। इस कदर घटिया निकलेगी मैं सोच नहीं सकता था। लोग बहुत चालाक होते हैं खान। सहर, शानो एक लड़की थी, लड़कियां तो अपने कैरेक्टर को लेकर बहुत कॉन्शियस होती हैं। अपने मकसद को पाने के लिए इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। कोई लड़की इतना कैसे गिर सकती है कि अपने करेक्टर को दागदार कर दे? लड़कियां तो अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देती है।